नामीन बनाओ, उसका आयुपीएससी नहीं होता, कॉमन नेम तो ऐसे तो है। प्रोपाइल अमीन बनाओ। आ रही आप मियाँ के स्कूल ना आने के कारण हो रहा है, ये स्कूल ना आने के कारण दूसरे की नोटबुक में देखना पड़ रहा है। सो दिस इज प्रोपेनामीन, ठीक। और कॉमन नेम क्या बोलोगे? एन प्रोपाइल अमीन। क्या बोलोगे? एन प्रोपाइल अमीन। या इसको प्रोप प्रोपेन वन अमीन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोप टू अमीन भी होगा, तो प्रोपेना टू अमीन बनाओ, प्रोपेना टू अमीन। तो अब ये सेकंड पोजीशन पे ले आओगे। तो इट विल बी आइसो प्रोपाइल अमीन। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंडरी अमीन में। तो अब मैंने क्या बोला था, सेकेंडरी अमीन कैसे बनते हैं? जब अमोनिया से दो एच रिमूव करके दो आर ग्रुप लेके आते हो, ठीक है। प्राइमरी अमीन में एक ही एच रिमूव करके एक आर ग्रुप आता है, सेकेंडरी अमीन में दो एच रिमूव करके दो आर ग्रुप आ जाते हैं। जैसे कि CH3, ये NH हो गया और ये CH3 हो गया, तो हमने दो हाइड्रोजन रिमूव करके दो अल्काइल ग्रुप ले आए, ठीक है। बताते हैं, अच्छा तो मुझे बहुत आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जो लेट आ रहे हैं ना, उनको मैंने एंटर नहीं करने देना क्लास में। ये 10:30 तक ये चलता रहेगा। सो बेटे, अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं? कॉमन है, ठीक। स्मॉल ग्रुप को मिथाइल बोला जाता है, जो भी स्मॉल ग्रुप है वो एल्काइल है, ठीक। वो एल्काइल किसके साथ कनेक्टेड है? वो नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है। अब बोलेंगे एन मिथाइल, एन मिथाइल, और ये क्या बच गया? मिथेनामीन, ठीक है। एन मिथाइल, ये क्या बच गया? मिथेनामीन। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में एक को एन मिथाइल बोल देते हैं और बाकी को नेम करेंगे मिथेनामीन। अगर कॉमन नेम में बोलोगे, कॉमन नेम सेकेंडरी मीन्स है, सेकेंडरी का मतलब है बेटे अमोनिया है, अमोनिया का हमने एक एच रिमूव किया तो ये बन गया, अगर दो एच रिमूव करें इसमें से तो ये आर टू बन गया और एक एच और उसका गया, दो आर टू। पोजीशन नहीं देखना बेटे, देर इज नो पोजीशन है सर, तो मिडल में आएगा बस ग्रुप जो भी लगे होंगे। अब कॉमन नेम में आप कैसे बोलते हो? अमीन तो हमने बोलना ही बोलना होता है, दोनों एल्काइल है, तो मीन्स डाई मिथाइल अमीन, ठीक है, डाई मिथाइल अमीन।
जैसे ये है तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इसको? एन इथाइल इथेनामीन। और आईयूपीएसी कॉमन नेम में क्या बोलोगे? करो तो ये भी लगाओ, लगाओ सही क्वेश्चन पूछा है, लगाओ। अरे एक तरफ C2H5 लगाओ, एक तरफ CH3 लगाओ। जहां मर्जी लगाओ, एक तरफ CH3 लगाओ और एक तरफ C2H5 लगाओ। बेटे ऐसे कंपाउंड आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्यों? रीजन भी आएंगे। जब हम क्लास 2 में होफमैन होमोलोगेसिस करेंगे तब हम एक ही आर ग्रुप लेके चलेंगे, तो आपको एक आर ग्रुप वाले पता होने चाहिए, अदरवाइज ये भी बनेगा। मगर ये किसी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में नहीं बना हो गया। तो ये एन मिथाइल इथेनामीन हो जाएगा और इथाइल मिथाइल अमीन हो जाएगा। आपको सिमिलर ग्रुप वाले याद रखने हैं बेसिकली, क्योंकि वही हेल्पफुल है आगे। डिफरेंट ग्रुप वाले हेल्पफुल नहीं है आगे इसमें, इस केस में सिर्फ। स्मॉल गोल ग्रुप को पहले बोल दिया हमने। अब आज एक टर्शरी की एग्जांपल ले लें। टर्शरी में हमने क्या किया? ये भी हाइड्रोजन रिमूव कर दी और यहां पे एक और CH3 ले। तो ठीक है, अब ये बनेगा एन एन। दो बार एन बोलोगे, एन एन डाई मिथाइल मिथेनामीन, एन एन। दो बार एन, दो को सब्स्टिट्यूएंट मान लोगे, एक को मेन मान लो, ये मेन बन गया। तो ये एन एन डाई मिथाइल मिथेनामीन। दो बारी की दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक तरफ इस तरफ लगा हुआ है, एक तरफ ये लगा हुआ है। ये दोनों अलग अलग ही लगे हुए हैं, ये नहीं कि एक ही लगा हुआ है। तो एन के साथ एक मिथाइल है, इसी एन के साथ दूसरा मिथाइल है, इसलिए एन एन डाई मिथाइल मिथेनामीन। कॉमन नेम में सीधा ट्राई मिथाइल अमीन। हाँ कॉमन ले लिया, तभी हमने डाई मिथाइल बोला ना। अब आ जाओ नेक्स्ट बेटे नाइट्रो, हमने सारे खत्म करवाने आज। नाइट्रो आ जाओ, नाइट्रो। नाइट्रो क्या होता है? नाइट्रो होते ही है NO2। हम नाइट्रो एल्केन्स हैं, दीज आर नाइट्रो एल्केन्स। और इनका बेटे
सिर्फ और सिर्फ आईयूपीएस नेम होता है, कॉमन नेम नहीं है, ठीक है, सिर्फ इनका यही नेम होता है, नो कॉमन नेम, ये याद रखो, ये फंक्शनल ग्रुप का सिर्फ आईयूपीएससी नेम है, ठीक है। अब CH3NH2NO2 तो क्या बोलोगे, नाइट्रोमिथेन या वन नाइट्रोमिथेन, ये वन नहीं होगी, इट इज वन नाइट्रोमिथेन, ने क्या बोला इनको, नाइट्रो एल्केन, मतलब नाइट्रो लगाने के बाद पीछे एल्केन बोलना, हमने बोला ना फंक्शनल ग्रुप का नेम नाइट्रो एल्केन, तो जो भी एल्केन है उसके आगे क्या लगा देना है, नाइट्रो। अब इसको क्या बोलोगे, नाइट्रोइथेन, जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है कि ये वन पे ही आएगा, अगर लगाना तो लगा लो, तब भी रॉन्ग नहीं है। ठीक है, जैसे हम एसीटोन की बात करते हैं ना बेटे, प्रोपेनॉन, तो आप प्रोपेनॉन भी बोलो और प्रोपेन टू ऑन भी बोलो, बात सेम ही है, तो ये टू पे ही आना है, ये वन पे आ ही नहीं सकता, वन पे तो एल्डिहाइड बन जाएगा प्रोपेनॉल से। अब बनाओ वन नाइट्रो प्रोपेन, वन नाइट्रो प्रोपेन, टू नाइट्रो प्रोपेन बनाओ, ठीक है, ये हो गया बेटे नाइट्रो। अब आ गया नाइट्राइट, ध्यान से समझो, नाइट्रो और नाइट्राइट एक ही फंक्शनल ग्रुप के दो, मतलब आप बनो भाई बहन है दोनों, कैसे, ये जो NO2 ग्रुप होता है ये एम्बिडियंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसकी टू टाइप की लिंकेज है, जब ये R के साथ N नाइट्रोजन ऐसे लिंक्ड है, ये अगर मैं खोल के बनाऊं तो ये चीज ये है, ये असल में ये है, ये जो आपने नाइट्रो एल्केन करा है ना, नाइट NO2 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, NO2 आया गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ही, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होती है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, समझ आ गई। अब ये जो ऑक्सीजन है बेटे, ये डायरेक्टली भी इससे लिंक्ड होती है, जब ये ऐसे लिंक्ड है तब इसी ग्रुप को नाइट्राइट कहा जाता है, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, नाइट्राइट, जैसे कि नाइट्रो एल्केन का सिर्फ और सिर्फ कॉमन नेम आईयूपीएससी नेम है, इसका अकेला कॉमन नेम होता है, ठीक है, इसे कहा जाता है एल्काइल नाइट्राइड, नाइट्राइड एल्काइल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वे में लिखूं, ये क्या बन जाएगा, मिथाइल नाइट्राइल, नाइट्राइट, मिथाइल नाइट्राइट, ये एम्बिडियंट होते हैं, एम्बिडियंट का मतलब है जिनके दो लिंकेज पॉइंट हो, ये ऑक्सीजन से भी लिंक हो सकता है और नाइट्रोजन से भी लिंक हो सकता है, जब ऑक्सीजन से लिंक हो तो ये नाइट्राइट बन जाता है,
जब नाइट्रोजन से लिंक होता है तो नाइट्रो बन जाता है। ये हम प्रेपरेशन करेंगे क्लास 12th में, केमिकल प्रॉपर्टीज करोगे ऑर्गेनिक में तो ये दोनों बनाओगे, नाइट्रो एल्केन भी बनाओगे, नाइट्राइड्स भी बनाओगे। ये अल्काइल हो गया ना, ये अल्काइल है, कार्बन को अल्काइल ही तो कहते हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो अल्काइल की जगह में मिथाइल बोल दोगे और इसकी जगह पे क्या बोल दोगे, नाइट्राइड, तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल नाइट्राइड। वैसे इथाइल नाइट्राइड बनाओ, क्या समझा बेटे, जब ये नाइट्रोजन से लिंक होता है जैसे कि ये, तब इसे नाइट्रो कहते हैं। जब ये ऑक्सीजन से लिंक होता है, इसके दो डोनर साइड है, ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है, जब ये ऑक्सीजन से लिंक होता है इसी को नाइट्राइड, आप करते नहीं थे 10th में 9th में, एक नाइट्रेट था एक नाइट्राइड था, याद है, नाइट्रेट बोलते थे NO3 नेगेटिव को, नाइट्राइड बोलते थे NO2 नेगेटिव को, तो ये Na2 ही तो है। समझ गए, चलो बनाओ इथाइल नाइट्राइल, क्या 10-13 की बनना है, अल्लाह हाइड्रोजन तो बेटे अपने आप कंप्लीट करना सीखो, बड़े हो गए हो, हाइड्रोजन मैंने नहीं बताने आप, नेक्स्ट कम टू बेटे साइनाइड, ये बहुत उड़ रहा है, जैसे मर्जी बना दो, जो मर्जी करो, तो नहीं से वो कंडेंस है, वो थोड़ा ज्यादा नहीं ओपन करते, चले आ गया। अब ये बेटी साइनाइड, इसे बोलते हैं बेटे एल्कीन नाइट्राइल। अभी नाइट्राइट किया था ना ये आपने, ये नाइट्राइल है, ये क्या है, नाइट्राइल, ठीक, या एल्काइल साइनाइड, या अल्काइल साइनाइड, ध्यान से देखो इस बार प्रगति, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, या CN लिखा होगा, ऐसे भी लिखा होगा CH3 CN, ध्यान से समझो इसको, जब हम एल्केन नाइट्राइल बोलते हैं तो ये दोनों कार्बन बेटे इंक्लूड किए जाते हैं, तो आप बोलोगे इथेन नाइट्राइल, दोनों कार्बन नेमिंग में इंक्लूड, तो आप बोलोगे इथेन नाइट्राइल, जब हम नाइट्राइल बोलेंगे तो आप बोलोगे इथेन नाइट्राइल,
मगर जब हम सायानाइड बोलते हैं तो ये बोलोगे मिथाइल सायानाइड, समझ गए? जब पीछे नाइट्राइल लगाओगे तो आप इन दोनों को वर्ड रूट में लेके जाओगे, तो ये बोलेगा इथेन नाइट्राइल। जब पीछे सायानाइड लगाओगे तो ये तो सायनाइड बोला गया, ये पूरा का पूरा। जो आगे अल्काइल रह गया वो क्या रह गया? मिथाइल। तो ये मिथाइल सायनाइड। जिसको और भी बोल सकते हो एसिटोनाइट्राइल, क्योंकि ये एसिटिक एसिड जैसे। और करवाऊं एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा ही करते रहना है अपने। एसिटोनाइट्राइल इसको वैसे बेटे इसी में ही कहते हैं कॉमन नेम में, क्योंकि एसिटो ग्रुप जो है वो कॉमन नेम के लिए यूज होता है। समझ आ रही है? एसिटो नाइट्राइल। और आप क्लास 12th में एसिटो नाइट्राइल ही बोलेंगे हम कन्वर्जन में। बच्चे को कंफ्यूज, आप अच्छा बनाओ, अगर मैं आपको बोलूं आप बनाओ प्रोपेन नाइट्राइल, बनाओ प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, जल्दी। बन गया कॉमन नेम क्या है इसका? इथाइल साइनाइड। तो ये क्या हो गया? प्रोपीन नाइट्राइल। जब प्रोपीन बोला तो ये वाला कार्बन भी वर्ड रूट में इंक्लूड किया आपने, तो आप बोलोगे प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है? और जब आप कॉमन नेम बोलोगे तो ये सायानाइड तो ऐसे ही बोला गया, तो ये बचा क्या? इथाइल। तो ये क्या हो गया? प्रोपीन नाइट्राइल एंड इथाइल सायानाइड। हाँ, आईयूपीएसी नेम में कार्बन को इंक्लूड किया जाता है, कॉमन नेम में सायानाइड को अलग ही बोल दिया जाता है। हम हमेशा यही तो करते आ रहे हैं। मिथाइल अल्कोहल, डाई मिथाइल ईथर, मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम में जनरली अल्काइल ग्रुप बोले जाते हैं और फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट बोला जाता है। और आईयूपीएसी नेम में हम सफिक्स लगाते हैं या प्रीफिक्स लगाते हैं, साथ में वर्ड रूट लेते हैं, और वर्ड रूट में भी हम फंक्शनल ग्रुप की कार्बन इंक्लूड शुरू से करते आ रहे हैं। चाहे आपने प्रोपेनॉन किया तो कीटोन का ओन आपने इंक्लूड किया कि नहीं किया? प्रोपेनॉन में तीनों के तीनों कार्बन इंक्लूड करे, मगर यही कॉमन नेम करने के लिए आपने डाई मिथाइल कीटोन कह दिया। समझ आ? ब्यूटेनॉन हमने सी डबल बॉन्ड और इंक्लूड किया, मगर यही हमने कॉमन नेम बोलने के लिए हमने क्या बोला था? मिथाइल कीटोन। कॉमन नेम में हम फंक्शनल ग्रुप की कार्बन इंक्लूड ही नहीं करते, हम पूरा फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं।
मैं किसी को खराब है। अब इसका बेटे जैसे नाइट्रो एक एम्बिडेंट फंक्शनल ग्रुप था, जैसे सायानाइड और आइसोसायानाइड होता है, ठीक है, सायानाइड और आइसोसायानाइड, आइसोसायानाइड को कार्बाइल अमीन भी कहते हैं, वो हमने नहीं करने क्योंकि वो यूज ही नहीं होते इतना। यू विल रिमेम्बर आइसोसायानाइड, आइसोसायानाइड कब कहा जाता है और इसका कॉमन नेम ही करोगे जब ये एन से लिंक्ड है, मतलब उल्टा कर दिया आपने, अब ये सी से नहीं लिंक, ये एन से लिंक्ड है, तो आप सीधा बोलोगे मिथाइल आइसोसायनाइड, मिथाइल आइसोसायनाइड, तो इट इज मिथाइल आइसोसायनाइड। ये एन आइसो में ये एन से लिंक होती, बस कॉमन नेम। दूसरा कार्बाइल अमीन होता है, मत करो कोई फायदा ही नहीं, विल यूज दिस ओनली हमेशा। फंक्शनल ग्रुप इज हैंस फिनिश्ड, सो विद दिस फंक्शनल ग्रुप यू हैव डन स्टार्टिंग फ्रॉम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स, एसिडिक एनहाइड्राइड, एस्टर्स, अमाइड्स, एसिड क्लोराइड्स, हेलोएल्केन्स, अमीन्स, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, नाइट्रो ग्रुप्स, ठीक है, नाइट्राइड ग्रुप, सायानाइड ग्रुप, आइसोसायानाइड ग्रुप, these are the various functional groups. NO2 और CN दोनों है, NO2 बेटे और CN दोनों हैं। अच्छा एक ये भी याद रखो बेटे, जैसे हेलो एल्केन्स में अगर बहुत कम यूज होता है ये कॉमन नेम, मगर आपको ये थोड़ा कभी कभी आ जाता है कन्वर्जन्स में, वैसे इसको क्या बोलोगे, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, IUPAC नेम क्या बोलोगे, 1,2 डाइक्लोरो इथेन कि नहीं बोलोगे, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। अब इस इथेन के अंदर अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इथीन, इथीन का कॉमन नेम क्या है, इथाइलीन, कॉमन नेम में बोलोगे इथाइलीन डाइक्लोराइड, इथाइलीन, ये हो गया इथेन, 1,1,2 पहले आएगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, और इसे बोलोगे इथाइलीन डाइक्लोराइड। इसी को कॉमन, जब CLCL डिफरेंट पे पढ़े हो। अरे बेटे आप तो नेम लिख लोगे, कन्वर्जन्स में अगर दिया ही था इथाइलीन डाइक्लोराइड है तो हमें ना पता हो तो हम करेंगे क्या आगे, बोलो। आपसे पूछा ही पेपर में कॉमन नेम क्या हो, फिर अगर सेम ही कार्बन एटम पे दोनों लगे हो
क्या बोलोगे? वन वन डाइक्लोरोइथेन, वन वन डाइक्लोरोइथेन, टू मिथेन, दो कार्बन है, वर्ड रूट क्या है? टू कार्बन, सफिक्स क्या है? वन वन डाइक्लोरोइथेन, ठीक है, कॉमन नेम कहते हैं इथाइलीडीन, इथाइलीडीन डाइक्लोराइड। लीडीन का मतलब सेम कार्बन पे, हाँ जहां मर्जी लगा, नहीं कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान से बेटे, अभी हमने नंबरिंग शुरू नहीं करी, वो हमने सितंबर एग्जाम में करनी है। अभी तो कुछ भी नहीं किया, आपको तो सिर्फ बताए हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। अभी आप नंबर डबल भी आ जाएंगे, ट्रिपल भी आ जाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करनी है। हमने ज्यादा वास्ट नहीं करना क्योंकि ये जेईस वगैरह के लिए प्लस टू में नहीं आता, थोड़ा सा तो हम करेंगे ही कि आपको डबल ट्रिपल लोएस्ट आई लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी आ जाए, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स आ जाओ, वो हम करेंगे एग्जाम के बाद। पहले इतने एग्जाम अच्छे से दे दो। तो यू आर हैविंग टोटल एंड टोटल आई थिंक सिक्स चैप्टर्स विद वन चैप्टर लेस देन हाफ, ये बहुत है बेटे। अभी तो बहुत कुछ करना है चैप्टर में, तो कुछ भी नहीं। नॉर्मल क्लेचर के बाद यू विल डू डिफरेंट टाइप ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक डिफरेंट इफेक्ट्स, डिफरेंट इंटरमीडिएट्स।